कार्ल पे इज जीनियस। उन्होंने यहाँ पे वन प्लस को खड़ा किया, फिर नथिंग को खड़ा किया, और जब वन प्लस में तक सब कंपनी की बात ही कुछ और थी, एक से कमाल के फोन निकालती थी। लेकिन अभी इस समय वन प्लस कंप्लीटली अपोजिट बन चुकी है। मतलब एक एग्जांपल दूं, वन प्लस में जब कार्ल पे थे तो उनका आखिरी फोन कौन सा था जिसपे उन्होंने काम किया था? वो था वन प्लस नॉर्ड वन। अच्छा फोन था और ये फोन यहाँ पे मार्केट में हिट हुआ था। उससे पहले के कौन से फोन थे? 8 प्रो था, वहां पे वन प्लस 7 सीरीज आती थी, 77 प्रो, यहाँ तक कि 660 भी आते थे। यानी कि एक से कमाल के यहाँ पे OnePlus फोन यहाँ पे बनाया करती थी। काफी बढ़िया चीज है। और उस जमाने में OnePlus का ऑक्सीजन OS पसंद आता था लोगों को, कस्टम रोम्स के लिए सूटेबल होते थे फोन्स, फोन्स के अंदर कोई इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलते थे, और आपको एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे बेस्ट पॉसिबल पैकेज देखने को मिलता था। लेकिन जब से कार्ल पे यहाँ पे OnePlus को छोड़ के गए ना, तब से कंपनी बिल्कुल अपोजिट हो चुके। मतलब कि OnePlus का अगर आप ऑक्सीजन OS यहाँ पर देखेंगे तो वहां पे आपको वो पूरा का पूरा कलर OS बन चुका है। इवन कार्ल पे ने जब OnePlus 11 को रिव्यू कर रहे तो इस बात को हाईलाइट किया था कि ट्विटर पे लोग अक्सर बोलते रहते हैं कि ऑक्सीजन OS पुराना वाला लाओ तो उसे समझ में नहीं आता था, लेकिन जब वो देख रहा कि कलर OS वाला ऑक्सीजन OS बन चुका है तो कंप्लीटली अलग है। इसके साथ ही कस्टम रोम्स के लिए भी OnePlus के फोन उतने ज्यादा सूटेबल नहीं है जैसे वो एक जमाने में हुआ करते थे। ऊपर से बात किया तो नथिंग पूरी तरीके से अपोजिट है। नथिंग के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे नथिंग OS आपको देखने को मिलता है जो क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड के लुक एंड फील के साथ आता है, जिसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स उन्होंने ऐड किए। यहाँ तक कि नथिंग फोन कस्टम रोम्स के लिए भी सूटेबल है। ऊपर से नथिंग फोन के अंदर आपको कोई भी 2 मेगापिक्सल के यूजलेस सेंसर भी देखने को नहीं मिलते। फोन देखा जाए तो देखने में प्रीमियम भी लगता है, कहीं से भी किसी भी फोन का रीब्रांड आपको देखने को नहीं मिलता, और देखा जाए तो एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे सही एक्सपीरियंस डिलीवर करने की कोशिश करता है जिसके अंदर सारी चीजें यहां पर सही हो। तो देखा जाए तो जो पुराने OnePlus की जो बात थी ना, वो आपको कहीं ना कहीं नथिंग के अंदर देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से तो कुछ केसेस में चीजें यहां पे पहले से ज्यादा बेटर भी हो रही है, क्योंकि कार्ल पे को यहां पे पता कि एग्जैक्टली मोबाइल फोन बनाते कैसे, उसे पता है कि मोबाइल फोन में क्या डालना है कि लोगों को यहाँ पे पसंद आएगा, किस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करना है। उसे पता है कि यहाँ पे फोन की प्राइसिंग कैसे रखनी है, क्या फीचर्स रखने हैं, क्या चीजें उसके अंदर डालनी कि प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आते ही हिट हो जाए। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं कार्ल पे को जो कंट्रोल था ना OnePlus में देखने को नहीं मिल रहा था। मतलब OnePlus आज के समय में अपने काफी सारे फोन ऐसे निकालते हैं जो लगता है कि कहीं ना कहीं रीब्रांड है। OnePlus Nord C3 Lite लगता है कि पूरा का पूरा Realme का 10 Pro उठा के दोबारा से इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। लेकिन कार्ल पे को एग्जैक्टली में मालूम है क्या चलता है मार्केट में, और शायद यही एक रीजन है कि उसके मार्केट में जो फोन्स की सेल्स है वो काफी अच्छी हुई है। मतलब पिछले साल की बात करें तो नथिंग ईयर वन, नथिंग की ईयर स्टिक और जो नथिंग फोन वन यहाँ पे निकाला था ना, तीनों की कंबाइंड सेल ग्लोबली उसने 1 मिलियन करी, जो कि 1-2 साल पुरानी कंपनी या स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ा नंबर हो जाता है कि कंपनी ने एक इंट्रोडक्टरी फोन निकाला अपना और वो मार्केट में आते हिट हुआ, उसको लोगों ने यहाँ पे पसंद किया। इवन उन चीजों पे उसने फोकस किया कि लोगों को जो पैकेज हम दें उन्हें यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी लगे। यही काम उसने OnePlus के अंदर भी किया था, OnePlus Nord 1 आया था, OnePlus के दूसरे फोन आए थे, तब भी यही चीज करी थी, और अभी भी कार्ल पे ने यही चीज करी है। लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि कार्ल पे को सिर्फ मोबाइल फोन बनाना आता है, एग्जैक्टली में कार्ल पे को यहाँ पे हाइप बेचना भी आती है। यानी कि जब भी उसने अपना कोई प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च किया तो हमेशा देखा है कि उसके अंदर कोई ना कोई हाइप यहाँ पे इंक्लूड रहती है। जैसे कि नथिंग कंपनी को उसने हमेशा एप्पल के साथ कंपेयर किया, लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि एप्पल के बराबर के उसके प्रोडक्ट्स आते हैं। एग्जैक्टली में कार्ल पे ने यह रखा है कि लोगों के दिमाग में सेट कर दो कि वो कोई बजट ब्रांड नहीं है, वो एक प्रीमियम ब्रांड है, जैसे आपको एप्पल देखने को मिलता है। पर इसीलिए उसने अपने ब्रांड की पोजीशनिंग ऐसी करी जैसे कि वो यहां पर एप्पल है, और उसे पता है कि आने वाले समय में वो भी प्रीमियम फोन्स ही बनाएगा, प्रीमियम फोन्स ही बेचेगा, वो कभी बजट सेगमेंट में जाएगा नहीं। लेकिन बात की जाए तो उसको पता था कि इनिशियली अगर उसने एप्पल की कीमत में फोन निकाल दिया तो वो बिकेगा नहीं, इसलिए उसने उन बातों का ध्यान रखे, प्राइस पॉइंट को यहां पे सही रखा, लेकिन उसे इतना सस्ता भी नहीं रखा कि कोई उसे यहां पे बजट बोले। वही बात करें नथिंग के साथ, एक बात यहां पर देखी को कहीं ना कहीं अपनी जो हाइप होती ना वो खत्म नहीं होने देती। मतलब कि यहां पर नथिंग फोन के अंदर आपको एंड्रॉइड 13 का अपडेट लेट आया, ये बात पता है, लेकिन जब एंड्रॉइड 13 का अपडेट आया तो उसकी मार्केट में फिर से हवा बन गई थी। और ये कार्ल पे ही लगता है स्ट्रेटजी रहती है कि मोबाइल फोन का OS अगर हमने लेट दिया तो उनके पास दोबारा से मौका बन जाएगा कि एक और वेव चलेगी यहाँ पे और लोग दोबारा से एक्साइट हो जाएंगे जब एंड्रॉइड 13 का बीटा आएगा तब उसके लिए, या फिर एंड्रॉइड 13 का स्टेबल आएगा, क्योंकि बाकी कंपनीज ने भी अपने एंड्रॉइड 13 के अपडेट निकाले लेकिन किसी की भी ऐसी हवा नहीं थी। यहां तक कि नथिंग वालों ने यह भी एडमिट किया कि नथिंग OS जो 1 आया था उसके अंदर दिक्कतें थी और 1.5 में काफी सारी चीजों को सॉल्व किया गया, और ये भी क्लेम किया कि जो नथिंग फोन 2 आएगा उसके अंदर आपको और भी ज्यादा बेटर सॉफ्टवेयर विद मोर फीचर्स के साथ ये चीज देखने को मिलेगी, जो कि काफी सही चीज है। लेकिन
कहानी तो यहाँ पे खत्म नहीं होती। आप लोगों को तो याद होगा ना कि कैसे कार्ल पे ने आईफोन 14 प्रो का यहाँ पे रिव्यू किया था, और उस रिव्यू को अगर आप देखेंगे तो मोर और लेस आपको ठीक ठाक रिव्यू मिलेगा, मतलब कि उसके ओपिनियंस वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। और जहाँ पे फोन अच्छा है, जैसे कैमराज आपको उसके अंदर बेटर देखने को मिलते हैं, तो वो सारी चीज उसने वहां बोली थी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो उसने कहीं ना कहीं नथिंग फोन के साथ जैसे कंपेयर किया था, और कहीं ना कहीं नथिंग फोन 1 को भी प्रमोट किया था। यानी कुल मिला के बात ये कि आज के समय में क्या रहता है, एक फोन यहाँ पे लॉन्च होता है, एक महीने के बाद लोग यहाँ पे उसे भूल जाते हैं। और कार्ल पे को पता है कि नई कंपनी अगर बनी है ना तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट वो नहीं निकाल सकते, वो लिमिटेड काम करना पड़ेगा। और उसका जो फोन है ना, उसे लंबे समय तक अगर उसे बेचना है ना, तो लोगों को याद दिलाते रहो कि नथिंग फोन 1 नाम से कोई फोन एग्जिस्ट करता है। और यही चीज उसने करी, आईफोन 14 प्रो का रिव्यू किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसने लोगों के दिमाग में दोबारा से सेट कर दिया कि नथिंग फोन 1 भी एग्जिस्ट करता है, जो कि सिमिलर डिजाइन के साथ आता है और उससे कम कीमत में आता है। तो अगर ये ऑप्शन भी अगर आपके पास है तो वो भी आप ले सकते हैं। सेम कहानी OnePlus 11 के साथ थी, OnePlus 11 की भी उसने तारीफ करी और कई जगह क्रिटिसाइज किया कि किस डायरेक्शन के अंदर यहां पर ये चली गई। और कहीं ना कहीं OnePlus 11 ने जो हाइप बनाई थी ना, उसका यूज अपने फोन को प्रमोट करने के लिए किया, और कहा कि उनका फोन भी कहीं ना कहीं उसी फोन की टक्कर का है, ताकि मार्केट के अंदर उसका फोन भी यहां पर बिक जाए। और देखा जाए तो नथिंग फोन 2 अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है, लेकिन अभी से उसकी मार्केटिंग एक तरह से शुरू कर दी। कार्ल पे ने यहां पे MWC में यहां पे कंफर्म कर दिया कि नथिंग फोन 2 आएगा, उसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8 सीरीज का प्रोसेसर होगा, ताकि लोगों के दिमाग में ये चीज सेट हो जाए कि वो एक प्रीमियम कैटेगरी का फोन होने वाला है, ना कि आपको पहले जैसा 778G आपको देखने को मिलेगा, ताकि लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि 778G को हटा के अगर वो 8 सीरीज डाल रहे हैं तो फोन प्रीमियम होगा और 35-40 हज़ार रुपए कीमत जाएगा, तो उस हिसाब से वो अपनी एक्सपेक्टेशंस एडजस्ट कर ले। देखा जाए तो ये काफी चीजें सही है, लेकिन प्रॉब्लम पता है इसके साथ क्या है कि हाइप और मार्केटिंग एक हद तक काम करती है। अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है, वो अगर वैल्यू फॉर मनी नहीं है ना, तो आप कितनी भी मार्केटिंग कर लो, कितनी भी हाइप कर लो, उसे कोई खरीदेगा ही नहीं खरीदेगा। और पास में मैंने बहुत एग्जांपल देखे, लेकिन अगर प्रोडक्ट में दम है, वैल्यू फॉर मनी है, तो अगर हाइप अगर कम भी है ना, तो ऑटोमेटिकली उसकी हाइप यहां पर बिल्ड होती चली जाती है और फिर वो मार्केट में हिट हो जाता है। तो ये एक चीज है जो नथिंग के साथ अभी भी सबसे बड़ा सवाल है। यानी कि बात करें तो नथिंग को प्रोडक्ट भी अच्छा बनाना पड़ेगा, और हर प्रोडक्ट में एक या दो फीचर ऐसे रखने पड़ेंगे जो यूनिक हो। कहने का मतलब है कि जब पहली बार नथिंग ईयर बनाया था तो ट्रांसपेरेंट डिजाइन लोगों के लिए एक नई चीज थी, अब वो चीज लोगों ने देख ली। उसे पता था अगर वो ट्रांसपेरेंट एडिशन का फोन बनाएगा तो इतना ज्यादा चलेगा नहीं, इसलिए ग्लिफ को लेकर आए। और लग रहा है कि नथिंग फोन 2 जब आएगा तो उसके अंदर भी उसे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके लिए वो मार्केट में हाइप बना सके। अगर वो मार्केट में अगर हाइप नहीं बना पाएगा तो कहीं ना कहीं उसकी फोन की सेल्स के ऊपर यहां पे कहीं इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन अगर उसने प्रोडक्ट को सही बना लिया और उसके अंदर एक दो एलिमेंट ऐसे डाल दिए जो उसके हिसाब से थोड़े यूनिक हो, तो वो मार्केट के अंदर यहां पे चल सकता है। और देखा जाए तो शायद यही चीज आज के समय में हम देख रहे हैं। नथिंग ईयर 2 देखा जाए तो पिछली बार के नथिंग ईयर 1 जैसा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके डिजाइन में थोड़े बहुत चेंजेस करे, ऑडियो क्वालिटी को इंप्रूव किया, और पहले जो प्रोडक्ट था ना उसे पहले से ज्यादा यहां पर बेटर बनाया। लेकिन अब उसके अंदर हाइप ऐड करनी है तो कहां से ऐड करें, और ईयरफोन के अंदर आप क्या ही चीजें ऐड कर सकते हो। तो उसने सोचा कि क्यों ना जब इसको हम लॉन्च करें तो टेक यूट्यूबर के सेटअप्स को रिक्रिएट करें। तो MKBHD के सेटअप को रिक्रिएट किया और लॉन्च इवेंट को थोड़ा सा फन और एंटरटेनिंग यहां पर बनाया। तो यार ये भी एक तरह से उसकी स्ट्रेटेजी थी प्रोडक्ट को थोड़ा यूनिक करने के लिए। लेकिन देखा जाए तो ये सारी चीजें एक हद तक ही काम करेंगी, क्योंकि जब तक उसके प्रोडक्ट में कोई ऐसा यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं होना, तब तक उसे मार्केट में प्लेस कर पाना थोड़ा सा यहां पे डिफिकल्ट है। अब देखने वाली बात होगी कि नथिंग फोन 2 जब आएगा तो उसके अंदर वो ऐसा क्या यूनिक करते हैं। लेकिन अक्सर मेरे से लोग एक सवाल पूछते हैं कि ये नथिंग के फ्यूचर का क्या होगा, क्या फ्यूचर में भी जो नथिंग कंपनी के कार्ल पे उसे OnePlus जैसा बना देगा। देखो सीधी बात है कि कार्ल पे ने OnePlus एक्सपीरियंस लिया और OnePlus की हालत उसने देख ली, उसे पता चल गया, और उसे पता है कि उस कंपनी को उसे OnePlus जैसा नहीं बनाना कि जहां पे वो फोन रीब्रांड कर रहे हैं, बहुत सारे फोन बेच रहे हैं, ऐसा नहीं। एग्जैक्टली में नथिंग को यहां पे पता क्या करना है, ये यहां पे एग्जैक्टली में उसे बिल्कुल ही बजट कैटेगरी के अंदर नहीं उतरना, बिल्कुल उसे मार्केट शेयर गेन नहीं करना। उसे यहां पे क्या करना है कि मार्केट के अंदर उसे अपनी एक अलग पोजीशन बनानी, जैसे एप्पल कंपनी ने बना रखी है, और उसे एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट तक ही फोन बनाने। यानी कि कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि 30,000 तक ही फोन बनाने, उसके नीचे हम खिसकेंगे नहीं और उसके ऊपर ही फोन बनाएंगे और उसके अंदर हम प्रीमियम रख के उसे बेचेंगे। ये स्ट्रेटजी नथिंग ने अपना रखी है, जिसे वो शायद आने वाले समय तक कंटिन्यू रखे।
इसके साथ ही फोन के सॉफ्टवेयर को ज्यादा नहीं छेड़े जैसा वन प्लस ने यहाँ पे छेड़ा है, वो चीज ये कर सकते हैं। और तो और ये भी चीज यहाँ पे कर सकते हैं कि हर फोन के साथ कुछ ना कुछ यूनिक कंसेप्ट को ट्राई करें। जैसे आज के समय में ज्यादातर फोन जो थोड़े बोरिंग से हो गए हैं डिजाइन के अंदर, वहां थोड़ा सा रिफ्रेशिंग चेंज आता रहे, ये कुछ चीजें यहाँ पे नथिंग कर सकता है। लेकिन यार काल पे के बारे में एक बात तो यार माननी पड़ेगी कि उसने ऐसे मार्केट के अंदर कंपनी खड़ी कर दी जो ओवर सैचुरेट हो रखा है। काफी सारी कंपनीज की सेल डिक्लाइन जा रही है, Xiaomi की हालत खराब चल रही है, सैमसंग नंबर वन आ जाता है, और लोग भी देखा तो फोन्स के लिए उतने ज्यादा एक्साइटेड नहीं है। लेकिन उसने ऐसे मार्केट के अंदर एक फोन कंपनी खड़ी करना और उसे सक्सेसफुल बनाना, ये बात तो काल पे की यहाँ पे माननी पड़ेगी। और इसीलिए मैं काल पे को थोड़ा सा जीनियस बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं वो एक मार्केटिंग जीनियस है और उसे पता है कि यहाँ पे फोन कंपनी यहाँ पे कैसे बनाते और कैसे चलाते। उम्मीद करता हूँ कि नथिंग कंपनी की तरफ से हमें और भी एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स देखने को मिलते रहे। फोन वन से एक नई शुरुआत करी है, फोन टू भी वो निकाले, और मैं चाहता हूँ कि ईयरफोन के अलावा, मोबाइल फोन के अलावा और भी काफी सारी चीज अगर नथिंग वाले अगर एक्सप्लोर करें तो काफी कमाल की चीज होगी। बाय द वे, नथिंग और काल पे के बारे में आप लोग के ओपिनियन है ये बात आप मुझे नीचे कमेंट बताना ना भूलना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।